हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है गर्मी में कैसे घमौरियों से बचा जाए और इनके क्या होम रेमेडीज़ होते हैं। चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस में घमौरियों का होना एक आम बात है। ये सबसे ज़्यादा गर्दन, पेट और पीठ पर नज़र आती है। ये बेहद खुजली और जलन भी पैदा करती हैं। गर्मियों में घमौरी से बचने के लिए आहार में अधिक से अधिक कच्चे प्याज, आम और एलोवेरा का प्रयोग करें। कच्चा प्याज एक गर्मी को कम करता है और साथ ही हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। गर्मी में हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे को खुजली व जलन होने लगती है और लहर जैसा बच्चे को लगने लगता है और लाल लाल दाने चकते जैसे होने लगते हैं। गर्दन, पेट, पीठ और फेस, कान के पीछे ज़्यादा गर्मी पड़ने से बच्चे को बेचैनी होने लगती है। तो आज मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसका उपयोग करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले है खीरा। खीरे में शरीर को ठंडा रखने का शक्तिशाली गुण है जो कि घमौरियों से बचने के लिए एक कारगर उपाय है। एक गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़ दें और इसी पानी में खीरे को पतले पतले टुकड़े काट कर डाल दें। इसके बाद इन टुकड़ों को घमौरियों वाली जगह पर लगाएं। ऐसा करने से घमौरियाँ जल्दी ठीक हो जाती है और खुजली तथा जलन से भी राहत मिलती है। ये पहला होम रेमेडीज था। फिर है आम। आम, कच्चा आम शरीर को गर्मी को ठंडा करने में बेहद प्रभावशाली होता है। कच्चे आम को धीमी आंच में भूनकर इसके गूदे को शरीर पर लेप करने से घमौरियाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा कच्चे आम के पन्ने का भी दिन में दो बार सेवन करना बेहद ही असरकारक है और ये घमौरियों से और लू लगने से भी बचाता है। फिर है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी घमौरी की जलन से निजात दिलाती है और खुजली भी मिटाती है। इसके लिए 5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को घमौरी पर दिन में एक बार लगाएं। आप तुरंत देखेंगे कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसे बच्चे भी लगा सकते हैं और बड़े भी लगा सकते हैं। स्किन में ठंडक सी महसूस होती है और काफ़ी आराम मिलता है और मुल्तानी मिट्टी सभी के घरों में होती है। उसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा के पत्तों का गूदा दिन में 2 बार घमौरियों वाले स्थान पर लगाएं और इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद धो दें। ऐसा करने से घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। एलोवेरा के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा का पेड़ घर में लगाना ही चाहिए। इसके बहुत सारे होम रेमेडीज़ होते हैं। एलोवेरा का गूदा बालों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 मिनट लगा कर रखना है और धो देना। आप देखिएगा सारी घमौरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद है बर्फ। सभी के घरों में तो फ्रिज होता ही है। घर में उपलब्ध बर्फ को घमौरियों वाले स्थान पर लगाने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर बच्चे को या बड़े को थोड़े भी ईचिंग होने लगे गर्मी के वक्त तो आप फ्रिज से बर्फ़ निकालें। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि तुरंत का पानी का जमा बर्फ़ होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना पानी या पुराना बर्फ़ हो, उसे आप स्किन पे लगाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए फ्रेश पानी का बर्फ़ जमा कर वो यूज़ करें। उसके बाद है नारियल तेल। नारियल के तेल में कपूर को मिक्स करके पूरे शरीर पे मालिश करने से घमौरियाँ ठीक हो जाती है, क्योंकि नारियल का तेल ठंडा होता है और कपूर भी ठंडा होता है। दोनों को कपूर किसी भी घाव को ठीक करने में उसका एंटीबायोटिक का काम करता है और नारियल का तेल भी नारियल तेल और कपूर के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इससे जितने भी फोड़े और फुंसियाँ होती है वो ठीक हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।